गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एक मोबाइल के अंदर मेसअप सॉन्ग डीजे रिमिक्स कर सकते हो। और मेसअप सॉन्ग जो होते हैं वो काफी तगड़े होते हैं। जो भी गाना होता है उसको एक छोटे छोटे पार्ट के अंदर काट के मेसअप सॉन्ग बनाया जाता है और वो हमेशा लैपटॉप के अंदर बनाया जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एक एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर, एक नॉर्मल मोबाइल के अंदर कैसे आप मेसअप सॉन्ग बना सकते हो। ये आज आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा और वीडियो काफी कमाल की होने वाली है। और गाइस अगर आपके पास कोई भी लैपटॉप नहीं है तो आपके लिए ये वाली वीडियो तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने ही वाली है, क्योंकि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है फिर भी आप आपके हिसाब से मेसअप सॉन्ग बना सकते हो। छोटे छोटे गाने, आप जो भी आपके छोटे छोटे फेवरेट गाने हैं उन सभी गाने को एक साथ मिला के आप मेसअप सॉन्ग बना सकते हो, और वो भी इजी तरीके से, इजी स्टेप के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे जहाँ पे हम मेसअप सॉन्ग बनाने वाले हैं। तो चलिए गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन कर ली है, जिस एप्लीकेशन का नाम है सॉन्ग मेकर। आपको ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे न्यू वाले प्रोजेक्ट पे जाना है और आपके सामने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस वाली एप्लीकेशन के अंदर आपको गाने वगैरह ऐड करने हैं, आपके जो भी फेवरेट गाने हैं वो आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। तो गाने ऐड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जो छोटे छोटे प्लस आइकन दिख रहे हैं आप यहाँ से गाने ऐड कर सकते हो अलग अलग। जो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट वाले के ऊपर गाने ऐड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे लोड लोकल फाइल पे ओके करना है, आपकी यहाँ पे फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना, आपके जो भी गाने फेवरेट है उसको यहाँ पे इनपुट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो इम्पोर्ट ऑडियो का ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हो इम्पोर्ट साउंड का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, आपके सारा सारा यहाँ पे फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे थोड़े सॉन्ग यहाँ पे ऐड करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। सर यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर मेरे बहुत सारे गाने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, गाने ऐड करना पड़ेगा वहाँ पे। तो सबसे पहले आपको देख सकते हो ये वाला गाना हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे गाने पे ओके करना है और ये वाला गाना हमारे यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो नीचे नीचे आप देखोगे, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला हमारा जो गाना है ये यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना, गाने को यहाँ पे उसके अंदर ऐड करना है, जो प्लस आइकन दिख रहे थे उसके अंदर इस गाने को ऐड करना है। तो सबसे पहले ऐड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप इसको प्रीव्यू भी कर सकते हो, यानी कि इसको चला के भी देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं चला के देख देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा गाना यहाँ पे ऑन हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे यूज़ एंड ड्रॉप पे ओके करना है, तो आपका गाना यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आपका यहाँ पे एक गाना यहाँ पे आ चुका है। अब आपको सेकंड वाले प्लस आइकन पे क्लिक करना है, कल वाले पे जाने के बाद आपको वापस डाउनलोड पे जाना है और यहाँ पे कोई भी सॉन्ग और भी ऐड करना है। फिलहाल मैं ये वाला सॉन्ग यहाँ पे ऐड कर लिया है, यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा सॉन्ग आ चुका है। इसको भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कौन सा गाना है, और इसके बाद यहाँ पे भी इसको मैं ड्रॉप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भी हमारा यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो नीचे। इसके बाद आपको वापस नीचे पे जाना है और यहाँ पे वापस ओके करना है, और यहाँ पे ओके करने के बाद डाउनलोड पे जाना है वापस, और यहाँ पे कोई और सॉन्ग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे यहाँ पे ये वाला सॉन्ग मैंने ऐड, तो हमारे यहाँ पे ये वाला सॉन्ग भी आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हो। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे तीन गाने ऐड कर लिए हैं। इसके बाद आप यहाँ पे सात गाने एक साथ ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ उस चीज़ को आप ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको यहाँ पे काटना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे यहाँ तक गाना लेना है, अब दूसरे पार्ट को काटना है। तो काटने के लिए सबसे पहले आपको इसको छोटा कर लेना है ऐसे, और छोटा करने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे कट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। और अब आपको क्या करना है, इस गाने को जहाँ से भी काटना है इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर लेना, ठीक है ना। तो अब हमारा जो गाना है वो पूरा है और यहाँ से कट हो जाएगा। और नीचे से अगर काटना है तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एंड वाली पोजीशन के अंदर हमको अगर गाने को काटना है तो यहाँ पे ऐसे आप काट सकते हो, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे देख सकते हो ये गाना हमारा तैयार हो चुका है कटा हुआ। अब इसको आप सुन भी सकते हो कि ये गाना कौन सा, मतलब कौन सी वाली लाइन हमारी कटी है। तो यहाँ पे आप पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पे प्ले कर सकते हो, ठीक है ना। इसको यहाँ पे ऐसे काट सकते हो आप, और काटने के बाद अगर आपको ये और भी चाहिए तो आप इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ऐसे काट काट के आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे सेट कर लेना है। अब ऊपर वाले गाने के अंदर भी क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कट कर सकते हो, आपको ऐसे कट कर लेना है इस गाने को भी, यहाँ पे देख सकते हो। और इसको यहाँ पे कट करने के बाद इसको भी, मतलब यहाँ पे और भी ज़्यादा ऐसे कट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे जाने के बाद आप इसको यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे देख सकते हो मैं आपको कट करके दिखाता हूँ, यानी कि यहाँ से इतना कट करना है अपने को यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला पार्ट हमको चाहिए तो यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। अब आप इसको यहाँ पे ऐसे
और इसको काटने के बाद आप इसको जहाँ पे चाहो ऐसे सेट कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे सेट करना है तो यहाँ पे आगे पीछे आप जहाँ पे भी चाहो यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो अब मैं आपको एक चला के दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हो। आप ऐसे काट काट के आप और भी ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे इसको ओके करना है और यहाँ पे ऐसे सेट कर लेना है, ठीक है ना। वापस इसको यहाँ पे ऐसे ऊपर नीचे आप आराम से सेट कर सकते हो। और इसके अंदर बहुत सारे मतलब आप 7 गाने एक साथ यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे चला के दिखा देता हूँ यहाँ पे ऐसे। तो मैंने यहाँ पे केवल आपको समझाने के लिए कुछ इस तरीके से मैंने ऐसे ही रिमिक्स किया है। आप इसको मोबाइल के अंदर ट्राई ज़रूर करें, आपके घर के अंदर आप आपके फेवरेट सॉन्ग को लेके ट्राई ज़रूर करें, ठीक है ना। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने इस वाले सॉन्ग को यहाँ पे थोड़ा आगे ले लेता हूँ और अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो पीछे वाला गाना है वो भी चल रहा है और ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो हमारे यहाँ पे ये वाला गाना है और अब मैं आपको चला के दिखा देता हूँ वापस। और गाइस इस वाली एप्लीकेशन के अंदर आपको ढेर सारे यहाँ पे इफेक्ट मिलती है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे गिटार, बेस, लूप, ट्रैप वगैरह जो भी जितने भी आप डीजे मिक्सिंग के अंदर यूज करते हो वो सारे के सारे आपको फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि मैं आपको एक चला के दिखा देता हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पे वोकल पे ओके करता हूँ और यहाँ पे इसको चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आपको अलग अलग प्रकार की किक मिल जाती है, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बेस वाले ऑप्शन मिल जाते हैं, टॉम वाले और हेट वाले, बेस, लूप, जितने भी डीजे मिक्सिंग के यूज होने वाले हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और इन सभी को आप ऐसे यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा गाना भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। आप यहाँ पे अलग अलग पार्ट करके आप आराम से मैशअप सॉन्ग बना सकते हो और इसको सेव भी कर सकते हो, ठीक है ना। आप जितना चाहो लंबा बना सकते हो, इसके बाद आप इसको सेव भी कर सकते हो। सेव करने के लिए आपको ऊपर एक बटन दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको कोई भी नाम दे देना है, आपका जो भी गाने का नाम है वो जो भी नाम लिखना चाहते हो वो यहाँ पे देना है। इसके बाद ओके करना है और यहाँ पे आपको इस वाली फाइल के अंदर ओके करना है। अगर आप एक बड़ी वाली और बेस्ट क्वालिटी की फाइल बनाना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करिए। और अगर आप एक नॉर्मल MP3 सॉन्ग बनाना चाहते हो मतलब उसके अंदर सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके सेव कर सकते हो। इस आप यहाँ पर ओके करने के बाद अब आपके फाइल मैनेजर के अंदर आ जाएगा कौन से वाले फोल्डर के अंदर आप सेव करना चाहते हो। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे ऐसे कोई भी फोल्डर के अंदर मैं सेव करके दिखा देता हूँ। तो इस वाले फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपको सेव पर ओके करके यहाँ पर यस कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका जो गाना है वो यहाँ पर देख सकते हो नीचे सेव हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हो नीचे हमारे। तो ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी, ये वाली एप्लीकेशन आपको जान के कैसी लगी, क्या ये एप्लीकेशन डीजे मिक्सिंग के लिए सही है या नहीं है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और गाइज अगर आप मोबाइल से डीजे मिक्सिंग करते हो तो भाई मेरे हिसाब से ये वाली एप्लीकेशन अच्छी है क्योंकि इस वाली एप्लीकेशन के अंदर थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है मिक्सिंग करने में, लेकिन ये वाली एप्लीकेशन बेस्ट है। और इस वाली एप्लीकेशन को आप मोबाइल के अंदर ज़रूर ट्राई करें क्योंकि गाइज अगर आप इसको ट्राई करते रहोगे तो आपको एक अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसको यूज करना है और किस तरीके से इसको गाने वगैरह ऐड करके चलाना है। तो गाइज ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आगे भी अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। रुको ये दो वीडियो आ रही इनको भी ज़रूर देख लेना अगर आपको अच्छी तरीके से डीजे मिक्सिंग करनी है मोबाइल के अंदर। तो बस अगली वीडियो में मिलते हैं।